दोस्तों पाकिस्तान को हराने के लिए, भारत को जीतने के लिए बस ये तीन काम करने होंगे जिसकी वजह से भारत 100% ये मैच जीत जाएगा। उसमें दोस्तों सबसे पहला काम है पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों से नहीं डरना। आपने देखा होगा दोस्तों पिछले मैच में पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों ने 10 विकेट ले लिए थे, इसलिए दोस्तों अभी हमें उनसे डरना नहीं है। दोस्तों भारत के बल्लेबाज ऐसे ही कर रहे हैं, वो दोस्तों उनके नाम की वजह से डर रहे हैं। जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करने आते हैं हमारे बैट्समैन पता नहीं क्यों डरने लग जाते हैं, बॉल छोड़ने लग जाते हैं, वो हिट मारने की ट्राई भी नहीं करते हैं। दोस्तों यही एक सबसे बड़ी गलती है। अगर दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी की बॉलों में आप हिट मारोगे तो वो भी इंसान ही है, उसकी भी हालत ख़राब ही होगी, वो भी गलत जगह बॉल डालेगा ही डालेगा। दोस्तों ये भारत के बैट्समैन सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों ईशान किशन ने ये दिखा दिया, नए होने के बावजूद भी वो बिल्कुल डरे नहीं, वो शाहीन शाह अफरीदी की बॉल में भी हिट मार रहे थे। दोस्तों ऐसे ही हमारे बल्लेबाजों को करना है। अब दोस्तों केवल उनकी टीम में एक ही ऐसा बॉलर है जो कि बहुत ज़्यादा स्विंग कराता है, हरीश श्रॉफ और नसीम शाह। ये बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं कराते, ये नॉर्मल टाइप की स्विंग कराते हैं, तो दोस्तों इनके ओवर आसानी से भारत खेल सकता है। दोस्तों लेकिन हरीश श्रॉफ एक ऐसा बॉलर है जो कि बीच में आके कभी भी मैच पलट सकता है, तो दोस्तों उसको भी हावी नहीं होने देते हैं। जैसे देखा आपने हार्दिक पांड्या ने कैसे 3 चौके मार दिए थे उसके ओवर में, ऐसे ही हमारे बल्लेबाजों को हावी रहना है ताकि वो हम पे हावी ना हो सके। दोस्तों सिंपल सा नियम है क्रिकेट का, बॉलर के ऊपर हावी हो जाओ उससे पहले कि बॉलर तुम पे हावी हो जाए। और दूसरे दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मैच में एक चीज़ और होती है, वो है प्रेशर गेम। दोस्तों पाकिस्तान के बॉलर्स या फिर बैट्समैन प्रेशर इतने अच्छे से नहीं झेल पाते हैं, जैसे अगर उनके बॉलर को पिटाई होने लग जाए तो दोस्तों वो पूरे एंड तक खराब बॉलिंग करते हैं। वही दोस्तों उनके बल्लेबाज में अगर प्रेशर आ जाए तो वो अच्छा नहीं खेल पाते। लेकिन दोस्तों इंडिया को यही इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है, पाकिस्तान के बॉलरों की कुटाई करनी है स्टार्टिंग से। मानो वो अच्छी बॉल डालेंगे उसमें भी थोड़ा जोखिम लेके छक्का और चौका मारने की कोशिश करना है, देखना दोस्तों सफलता हमारे कदमों में होगी। दूसरा दोस्तों एक काम ये करना है कि अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के बॉलर लास्ट में आके ज़्यादा रन नहीं देते हैं। दोस्तों ईशान किशन और हार्दिक पांडे ने आके बहुत अच्छी बैटिंग कर ली थी जिस वजह से कि भारत 300 रन तक पहुंच सकता था, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की बॉलर की ये पुरानी आदत है कि वो लास्ट में बाउंस बैक जरूर करते हैं, कम बैक जरूर करते हैं। इसी की वजह से भारत 266 रन ही मार पाया, जबकि भारत उस दिन 300 रन भी ठोक सकता था जब ईशान किशन और हार्दिक पांडे खेल रहे थे। माना कि उस दिन हार्दिक पांड्या की बैटिंग ऊपर आ गई, लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या को ही ये जिम्मा संभालना होगा क्योंकि वो सबसे नीचे आते हैं। हार्दिक पांड्या और जडेजा के साथ मिलके दोस्तों उनके बॉलरों की खूब कुटाई करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा रन रेट सीधा ऊपर पहुंच जाए और हम 320-340 रन बना सकें। दोस्तों तीसरा पॉइंट भी इससे जुड़ा हुआ है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि पहले के हमारे बल्लेबाज धोनी और युवराज सिंह आसानी से टेलेंडर के साथ बैटिंग करके पूरा मैच जिता दिया करते थे, लेकिन दोस्तों आज हमारे बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों हार्दिक पांडे को जिम्मेदारी संभालनी होगी, रविंद्र जडेजा को ये जिम्मेदारी संभालनी होगी कि अपने टेलेंडर्स के साथ बुमराह हो गए, शमी हो गए, सिराज हो गए, इनके साथ दोस्तों पूरी बैटिंग करनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी। दोस्तों अगर आपको मेरे ये तीन विश्लेषण सही लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।